नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने राहु के बारे में कुछ चीज़ें बताई जो सामान्यतः आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। मैंने संहिता से ढूंढी है, भद्रबाहु संहिता से ढूंढी है, नारद संहिता से ढूंढ करके बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। आज भी मेरे नोट्स में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी बहुत तकलीफ होती है। सीधा बोल देते हैं बकवास। सर क्या बकवास? आपको ABCD भी एस्ट्रोलॉजी की आती है क्या? आपको कुछ भी फंडामेंटल्स आता है एस्ट्रोलॉजी का? मैं 4 क्वेश्चन पूछूंगा तो आप चित्त हो जाओगे। व्हाट डू यू नो एंड व्हाई यू आर टॉकिंग अब बकवास? नोबडी हैज इनवाइटेड टू लिसन माय लेक्चर्स और यूट्यूब। आई हैव नॉट इनवाइटेड, नोबडी हैज इनवाइटेड, यू आर नॉट वेलकम हियर, प्लीज गेट आउट। बकवास बोलते हो क्या? बकवास मैं जो बोल रहा हूं वो बकवास, जो मेटीरियल दे रहा हूं वो बकवास? क्या बकवास? जो मेटीरियल है वो महर्षि पराशर की है, नारद संहिता से ली है मैंने, ब्राह्मीर संहिता से ली है, सब बकवास है। शर्म करो, फालतू बात मत करो कभी, एंड डोंट कम, यू आर नॉट वेलकम। बदतमीजी मत करो, आई एम नॉट इन्वाइटेड यू। बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं एंड रियली दे आर लर्निंग। मैं लोगों से, उन लोगों को बोल रहा हूं जो सीखना चाह रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो पंडितों के जाल में ना फंसे, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को ले रहा हूं। मैंने बराबर YouTube में भी हमने लिखा एजुकेशन, नॉट दैट आई एम ए टीचर, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, आई एम शेयरिंग ऑल लेटर्स इन कैपिटल। ब्लडी आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट ए योर कंपटीटर। आप जानकार हो गए तो अपने घर में रहो ना, अपना यूट्यूब निकालो, अपने निकालो, कौन मना कर रहा है? जो लोग सीख रहे हैं उनको भ्रमित मत करो, अपना ब्रह्मजाल मत फेंको और भ्रमित मत करो किसी को। सो प्लीज डोंट इंटर इन टू माई जोन। आज मैं बता रहा हूँ वो भी साधारण चीज बता रहा हूँ, बट यू आर नॉट यूजिंग, 100% नहीं यूज कर रहे होगे। मैं आपको बोल रहा हूँ 100%। एस्ट्रोलॉजर बनते हो? क्षमा के साथ, देखिए जो हमने उस दिन आपको परिचय दिया और एक बात हमने कहा कि ये चूंकि राहु उल्टे चलते हैं तो जो लोग हम लोग के हिसाब से जो उल्टे काम करते हैं, उल्टे लिखते हैं, उल्टे पढ़ते हैं, वो लोग राहु प्रिय हैं, वो हमारे विरुद्ध धर्म के भी हैं। बचपन में खेल खेल में ही गाना हुआ करता था, हम लोग कुछ बच्चे थे तो उल्टे पढ़ते थे, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, ओ रदु के मुसाफिर को जम्मू साथ ले थसा ले ले ले। तो ये हम लोग गाते थे, हम लोग भी उल्टे पढ़ते थे मस्ती के लिए। ये मेरा धर्म नहीं है, उल्टा पढ़ना उल्टा लिखना मेरा धर्म नहीं है, उल्टी बानी बोलना मेरा धर्म नहीं है। प्लीज आज मैं राहु के बारे में कुछ और बता रहा हूं। देखिए राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। राहु बोलने से 3 नक्षत्र हैं राहु के, आद्रा,
उसमें एक ही सितारे होते हैं, एक ही तारे होते हैं, उसको मणि बोलते हैं। और ये मिथुन राशि में होता है। दूसरा स्वाति, इसमें भी एक ही तारे होते हैं, मूंगा या मणि जो बोल लीजिए। ये भी राहु का ही नक्षत्र है, तुला राशि में होता है। शतभिषा, ये राहु का तीसरा नक्षत्र है और ये कुंभ राशि में होता है। शतभिषा मीन्स 100 डॉक्टर्स। ये तीनों नक्षत्र विष के नक्षत्र हैं, पॉइजन के नक्षत्र हैं, राहु के नक्षत्र हैं और सबके रोग अलग अलग हैं, ये रोग देते हैं। पहली बात ये बता दूं आपको कि वृषभ राशि का राहु लगभग सब पीड़ा को दूर करने की क्षमता रखता है। राहु वृषभ राशि का लगभग सभी तरह के पीड़ाओं को दूर करने की क्षमता रखता है, हर तरह की बीमारी, कठिन से कठिन बीमारी को भी ये दूर करने की क्षमता रखता है। अब मैंने अपने मन से बोल रहा हूं, नहीं, ये संगीता के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं, संगीता के शब्द हैं। तो इस राहु के बारे में इट इज द सेकेंड आइटम विच आई एम टेलिंग यू। अब एक चीज मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा, या नोट करना है नोट कर लीजिए, या जानना है तो जान लीजिए। आद्रा नक्षत्र में जब राहु रहते हैं, स्वग्रही होंगे, स्व नक्षत्र के होंगे, बलि होंगे, लेकिन फिर भी यदि ये डिजीज देंगे, मिथुन राशि में यदि राहु हो तो नर्वस डिसऑर्डर देते हैं, स्किन की प्रॉब्लम देते हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी देते हैं और लंग्स में भी प्रॉब्लम देते हैं, थ्रोट में, ब्रीदिंग कॉर्ड में, इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम देते हैं। मिथुन के राशि उच्च माने जाते हैं, फिर भी देते हैं, स्वभाव तो कोई ग्रह नहीं छोड़ेगा। और ये किनको सूट करता है, मान लिया टेंथ हाउस में राहु हो किसी का और मिथुन राशि का हो, था अभी, तो किनको सूट किया, ये सूट किया टीचर्स को, लेखक को। अब देखिए ऑनलाइन टीचिंग हुआ ना, जैसे भी हो तो लेखक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, रोटियां बटी, खिड़की खिचड़ी बटी, लोगों को घर घर पहुंचाया गया, सेवा किया गया, ड्रग डीलर्स ये भी बहुत फैला, बहुत ही तस्करी हुई और हमारे प्रहरियों ने बहुत को पकड़ा। ये पब्लिक रिलेशन के जो लोग हैं, नेता हैं या जो लोग भी हैं, उनके लिए भी ठीक रहा, इनको भी सूट किया। जो लेखपाल हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं, उनके लिए भी ये ठीक हुआ। मिथुन राशि का राहु, और मिथुन राशि का राहु ही रेनी सीजन शुरू करता है। सूरज जब मिथुन राशि में आते हैं, आद्रा नक्षत्र में हैं, तो हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं आद्रा चढ़ गया, मैंने बरसात शुरू हो गया। तो भिन्न भिन्न जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, इसको फीमेल डॉग बोलते हैं, हम लोगों के लिए
हम लोग इनको रुद्र बोलते हैं, इनके देवता रुद्र होते हैं। देखिए एक ही राहु के क्या क्या रूप हो सकते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। एक राहु मिथुन राशि में हो तो क्या रूप हुआ, तो ये रुद्र कहलाते हैं। रुद्र का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म, आंधी तूफान बहुत वेग से जो आता है उसको रुद्र बोलते हैं। इतने ताकतवर होते हैं हनुमान जी, कितने ताकतवर। ये वो रुद्र हैं, एकादश रुद्र के चीफ हनुमान जी ही होते हैं। और ये पश्चिम दिशा को भी इंडिकेट करते हैं। नोट कर लीजिए जो नोट करना चाहते हैं, बार बार मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। और अगला बार जब ये राहु में जाएंगे तो पता नहीं, मैं आपको फिर बता पाऊंगा या उस समय तक रहूंगा या नहीं रहूंगा, नोट कर लो। राहु का दूसरा नक्षत्र है स्वाति। आद्रा में राहु, आद्रा में सूरज बरसा देते हैं राहु के नक्षत्र में, और इसी स्वाति नक्षत्र में वर्षा समाप्त होती है। तो वर्षा का प्रारंभ राहु करता है और अंत भी राहु ही करता है। सूरज आ गए तो चलिए वर्षा शुरू हो गया, सूरज भगवान स्वाति में आ गए तो वर्षा खत्म हो गई। इस बार 23 अक्टूबर से, संभवतः 23 अक्टूबर से सूरज राहु स्वाति में आ रहे हैं, तो वर्षा का समापन शायद 23 अक्टूबर से होगा और नवंबर तक में होगा। जब तक ये चारों चरण में राहु सूरज रहेंगे, राहु के चारों चरण स्वाति में रहेंगे, वर्षा का अवसान हो जाएगा। कभी कभी वर्षा लंबी हो जाती है ना, दुर्गा पूजा में भी बरसात होने लगता है, रंग में भंग पड़ जाता है। तो स्वाति नक्षत्र राहु का है, वो क्या रोग देता है? स्वाति नक्षत्र जो है ये रोग देते हैं, इसमें एक्जिमा, हर्निया, स्किन के प्रॉब्लम, ब्लैडर प्रॉब्लम, किडनी और इंस्टेटाइन का, सॉरी बोलने में गड़बड़ा रहा हूँ, उसमें रोक देते हैं। इंस्टाइन में होता है, उसमें रोक देते हैं। और यही स्वाति नक्षत्र किनको फायदा करते हैं? सूरज आते हैं ना उसमें, तो ये फेम देते हैं। सूरज जहां जाते हैं वहां पर रोशनी देते हैं, फेम देते हैं। तो बिजनेस स्किल, सेल्स पर्संस, सेल्स के जितने उद्योग हैं वो, योगा टीचर, प्रिस्ट, लीगल प्रैक्टिस वालों को जो वकील हैं, और जो लोग भी लीगल प्रैक्टिस जिस रूप से करते हैं उनके लिए शुभ हैं, जजेस के लिए शुभ हैं, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुभ हैं, और ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए शुभ हैं, ट्रेडर्स इन ड्रग्स एंड अल्कोहल उनको भी सूट करता है। राहु कितना रूप समझ लीजिए, नक्षत्र है उन्हीं का नक्षत्र है, तो ये रूप तो सब उन्हीं का है। तो यदि राहु का नक्षत्र ना होता तो वर्षा नहीं होती, अकाल पड़ जाता, हम लोग सब मर जाते। तो भगवान ने जब सृष्टि किया, ब्रह्मा ने, तो इस ढंग से हर चीज को व्यवस्थित ढंग से उन्होंने इसको निरूपित किया। और इसका जो तीसरा नक्षत्र है जो कुंभ राशि में पड़ता है वो है शतभिषा, 100 डॉक्टर्स। मेरा भी अनुभव है, जो एस्ट्रोलॉजी में मेरा अनुभव है, हमने ये देखा है कि शतभिषा नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, कुंभ राशि में है,
तो कुंभ राशि वाले लोग यदि सद्विषा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है तो या तो आप मेडिकल हैं, मेडिकली इंटरेस्टेड हैं, या आप डॉक्टर हैं, या फार्मासिस्ट हैं, या आप दुकान खोल करके अपने बिजनेस कर रहे हो, कहीं न कहीं हीलिंग से, वेलनेस से, क्योर करने से, दूसरे का उपकार करने से आपका संबंध जुड़ा हुआ है। तो सी द ग्रेटनेस ऑफ राहु, हाउ नाइस द राहु इज। तो अभी ये क्या रोग देते हैं सत्विशा में जब आते हैं तो क्या रोग देते हैं? तो अर्थराइटिस, न्यूमेटिक पेन्स, हार्ट ट्रबल, हाइपरटेंशन, कॉप्स एंड एंकल्स, जॉ प्रॉब्लम्स एंड बोन फ्रैक्चर्स, या बोन की डेंसिटी कम हो जाए, ऐसी स्थिति आती है। लेकिन ये फायदा भी कुछ करते हैं, किसको करते हैं, हुम इट सूट्स? तो ये एस्ट्रोलॉजर को, प्रिस्ट को, रिलीजियस एक्टिविटीज को, हीलर्स को, राइटर्स को, रिसर्च वर्कर को, क्लर्क को, सेक्रेटरीज को, इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रीशियंस को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, और जो बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को सोर्ट करते हैं। तो कितना बड़ा एरिया है राहु का, और ये राहु अभी वृषभ राशि में आ गए, राहु दो में आ गए, और दो में अभी मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। इस मृगशिरा नक्षत्र में 3 degrees 20 minutes, फिर 3 degrees 20 minutes, 6 degrees 40 minutes में रहेंगे ये। और एक नक्षत्र का लेंथ होता है 13 degrees 20 minutes का। तो राहु किसी भी एक नक्षत्र में जब रहते हैं या 13 degrees 20 minutes में रहते हैं तो ये 240 दिन तक रहते हैं, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। तो अभी तो मृगशिरा के ये आधे नक्षत्र में बीत गया जो, और अभी आधे नक्षत्र में चलेंगे, मतलब 240 के आधे, तो लगभग 23 सितंबर से लेकर के 120 डेज और उसमें प्लस कर दीजिए, राहु उतने दिन तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। और हमने पीछे कहा था कि राहु यदि किसी से डरते हैं तो मंगल से डरते हैं, मंगल से डरते हैं, सूरज से नहीं। सूरज को तो चबा जाते हैं, ग्रहण लगता है, चंद्रमा को चबा जाते हैं, ग्रहण लगता है, शनि के साथ थोड़ी सी इनकी दोस्ती है, हैंडशेक है, बाकी सारे ग्रहों को ये न्यूट्रल है, ना अच्छे ना बुरे। तो मैंने कहा कि ये वृषभ राशि में ये बहुत फायदा करते हैं। तो वृषभ राशि में अभी ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, जिसमें ये डरते हैं, जिससे डरते हैं, तो मंगल के नक्षत्र में जब ये रहेंगे तो डरे डरे समय समय रहेंगे। अरे बुराई करोगे तो पिटाई होगा मंगल से, युद्ध करेगा हमसे, हैरान कर देगा ये, उससे बढ़िया है चलो कुछ नुकसान मत करो किसी का। तो उनके डर से ये भले रहते हैं, उनके घर में बंदी हैं, जैसे बड़ा से बड़ा शैतान गुंडा यदि जेल में बंद रहता है तो बंद तो रहता है, डरा तो रहता है, लोग तो उसको नीचे नज़र से देखते ही हैं। ठीक उस तरह से राहु मंगल के नक्षत्र में बंदी है, उनके घर में बंदी है, कहाँ, वृषभ राशि में। और मृगशिरा नक्षत्र में कितने दिन, 120 दिन। एक रिक्वेस्ट और कर लूं, देखिए बहुत सारे लोग फोन पर
राहु के बारे में कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। सर मैं स्लोली स्लोली सबके लिए बोल रहा हूँ, अकेले आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ डोंट टेक सो मच ऑफ द फ्रीडम अननेसेसरी टू डिस्टर्ब मी। जो बोल रहा हूँ सबके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए खास नहीं बोल रहा हूँ। सो धीरज रखिए, धीरे धीरे जितना मैं बोलूँगा आपके समीप आ जाएगा। पिछले बार भी मैंने कहा था तो उसको नोट कर लीजिए ना, पिछला उलट के देखिए ना, सो एडिशनल नॉलेज आपको रहेगा। और एक बात, कुछ रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, जो समझ रहे हैं सीखना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए। मैं बोल चुका हूँ बहुत बार कि कोई भी ग्रह स्वग्रही हो, मूल त्रिकोण में हो, उच्च का हो, ना अनिष्ट फल प्रदा, वो नुकसान नहीं कर सकते। मैं बराबर बोलता हूँ, जो ग्रह रेट्रोगेट है, बलि है, वो तो हाथ जोड़ करके घूमेगा भाई, गुंडा भी, वो नुकसान नहीं करेगा। दूसरा रूल है कि कितना भी पापी ग्रह हो, कितना भी खराब ग्रह हो, यदि गुरु के दृष्टि में है, गुरु से दृष्ट हो रहा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और शुभ ग्रह की भी दृष्टि एक और पड़ रही है, तो ना अनिष्ट फल प्रदा, अनिष्ट नहीं करेगा, टेक इट ग्रांटेड। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन। देखिए, दृष्टि का मतलब हम लोग हमेशा 100% वाली सप्तक दृष्टि, शनि में 3, 7, 10 वो दृष्टि, मंगल की 4, 7, 8 वाली दृष्टि, 100% वाली जितनी है, गुरु की 2, 5, 7 वाली दृष्टि को 100% वाला दृष्टि ही हम लोग लेते हैं। लेकिन सारे ऋषि मुनि इस बात को बोलते हैं कि यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो पापी से पापी ग्रह भी शुभ हो जाते हैं, मार्केस भी शुभ हो जाते हैं, मृत्यु देने वाले ग्रह भी शुभ हो जाते हैं, थम जाते हैं, रोग देने वाले ग्रह भी शांत हो जाते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। शास्त्र कहता है कि यदि गुरु गुरु प्लस राहु हो, या लग्नेश, लॉर्ड ऑफ लग्नेश प्लस राहु हो, केंद्र में हो, किसी भी केंद्र में हो, तो उसकी आयु कम रहती है। बच्चे की कुंडली में जब आप देखेंगे तो पंडित जी लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं सद्य हम मृत्यु, अरे भाई इसकी मृत्यु तो कभी भी हो जाएगी, लेकिन होती तो नहीं है, नहीं होती है। आप ही कितनी कुंडलियां देख लेंगे, उसमें सब जीवित है, 60 साल के आदमी है, 100 साल के आदमी है, 80 साल के आदमी है, जीवित तो है, जबकि उनकी मृत्यु तो बाल्यावस्था में ही हो जानी चाहिए या शैशव काल में ही हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हुई? कारण कि हर ग्रह की 3-10 की दृष्टि भी होती है, 25% वाली दृष्टि, 5-9 वाली भी दृष्टि होती है, 50% वाली, 4-8 वाली भी दृष्टि होती है, 75%, और 7th वाली दृष्टि होती है 100%। अब ऋषियों ने जो ये देखा कि कोई भी ग्रह हो जो अपनी जगह में कहीं भी बैठा हुआ है, तो उसकी तीसरी दृष्टि तो पड़ेगी, चौथी दृष्टि भी पड़ेगी, पांचवी दृष्टि भी पड़ेगी, सप्तम दृष्टि भी पड़ेगी।
और हम लोग इसको नहीं कंसीडर करते हैं बॉस, नहीं देखते हैं। रूल यही कहता है कि गुरु कैसा भी हो, यहाँ अब यदि राहु के साथ यहाँ पर या यहाँ पर कोई शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो जिसकी तीसरी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, जैसे यहाँ पर गुरु हो या यहाँ पर बुध हो या यहाँ पर शुक्र हो, तो तीसरी दृष्टि भी तो यहाँ पड़ेगी। हम लोग हमेशा सोचते हैं 100% दृष्टि है तभी, तो ऐसे करके यदि 3-4 ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो 75% या 100% से ज़्यादा शुभ दृष्टि पड़ जाएगी, 3 ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो रूल क्या, ना अनिष्ट फल प्रदा, नुकसान नहीं करेगा। तो कुछ रूल्स जो फंडामेंटल रूल्स है उसको जरूर पकड़ के रखिए। शुभ ग्रह है, दो या दो से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो शुभ ग्रह पापी हो जाएंगे, वो हार्म करेंगे। लॉट ऑफ रूल्स आर देयर कि कोई ग्रह को शुभ कैसे आप क्लासिफाई करेंगे, कैसे उस ग्रह को अशुभ क्लासिफाई करेंगे। तो कम से कम दो ढंग से तो कर ही सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस एंड क्लासिफिकेशन बाय स्टार, नक्षत्र सिद्धांत। और जिनको थोड़ा बहुत अष्टक वर्ग आता है तो अष्टक वर्ग से उसमें बल देख लेंगे, तो ये जरूरी है। जैसे अभी राहु वृषभ राशि में है तो इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 कहाँ पड़ेगी, कर्क राशि में पड़ेगी। और कर्क राशि में राहु शुभ होते भी हैं, कल लिखाया हूँ मैं या प्रीवियस लेसन में लिखाया हूँ मैं। तो राहु आपके कुंडली में 2 नंबर में गए हैं, 2 नंबर आपका कहीं भी हो सकता है, वहाँ से जो तीसरा पड़ेगा वो शुभ रिजल्ट देगा। समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, राहु कहीं भी हो सकता है आपके कुंडली में, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है, कहीं भी राहु आपके कुंडली में है, वृषभ राशि में तो आ गया ना। तो वृषभ राशि यदि आपका यहां पर पड़ता है, 2 नंबर यहां पर पड़ता है, सोच लीजिए यहां पर 2 नंबर पड़ता है, तो राहु यहां पर आए, अब तो राहु की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, 12 में पड़ा और 12 में राहु शुभ होते हैं, तो इसको ये भला करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, राहु की दृष्टि यहां पर शुभ पड़ेगी। लेकिन जिसमें मैंने कहा है कि ये राहु खुश नहीं रहते हैं, शुभ नहीं रहते हैं, वैसे जगहों में दृष्टि पड़ेगी तो कष्ट है। जैसे राहु यदि यहां पर हैं तो उनकी चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन ये मंगल में जब राहु रहते हैं तो अशुभ रहते हैं, तो ये मंगल वाली दृष्टि यहाँ पर तो मुश्किल होगा। यदि किसी का राहु पंचम भाव में पड़ गया 2 नंबर तो 12th हाउस में इसकी दृष्टि खराब होगी, हार्म करेगा, ये शुभ नहीं करेगा। तो ये चीज मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा आप बढ़िया से समझ लीजिए, तभी आप एनालिसिस कीजिए। अभी एनालिसिस झट से मत कीजिए, अभी झट से एनालिसिस मत कीजिए, पहले हाउस के अनुसार आप चेक कीजिए, फिर दृष्टि के हिसाब से चेक कीजिए, फिर नक्षत्र के हिसाब से चेक कीजिए। 18 महीने रहेंगे बॉस, तो मैं आज यदि बोल दूँ कि राहु 18 महीने शुभ रहेंगे तो हमसे बड़ा इडियट कोई नहीं। कारण कि जैसे राहु अभी 2 नंबर में है तो कभी मंगल तो यहां आ जाएंगे, राहु प्लस मंगल रहेंगे यहां पर, यहां पर सूरज भी आ जाएंगे कभी, तो राहु और सूरज इकट्ठे होंगे तो डिफेम भी तो हो सकता है आपका, आप बदनाम भी तो हो सकते हो, आपको हड्डियों में प्रॉब्लम तो हो सकता है, आप सरकार के द्वारा दंड के भागी हो सकते हो, आपके ऊपर कोई कोर्ट
केस चल सकता है, आप सस्पेंड हो सकते हो या बंधन योग बन सकता है। तो मैं यदि अभी बोलूं कि सब ठीक है तो ये तो गड़बड़ हुआ ना। तो जो लोग बोल रहे हैं कि राहु, जैसे कर्क राशि वालों के लिए, जिनका कर्क राशि में चंद्रमा है, तो उनके लिए तो राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में घर में आ गया, तो तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में राहु तो टॉप क्लास होते हैं। तो मैं बोलूं कि आपका तो टॉप क्लास समय है पूरा 18 महीना, तो आई एम एन इडियट, नहीं बोल सकता। हमको बोलना पड़ेगा अधिकांश समय आपके शुभ रहेंगे, राहु विल हेल्प यू, और सभी को हेल्प करेंगे। वृषभ राशि के राहु सबको देते हैं, जैसे वृषभ राशि का चंद्रमा सबको कुछ न कुछ तो अच्छा देता है, बुरा भी देते होंगे लेकिन अच्छा तो देते ही है। ठीक उसी तरह से राहु सबको कुछ न कुछ बांट रहे हैं प्रसाद, आपको शुभ देंगे, और कर्क राशि में है तो बहुत देंगे। लेकिन जब राहु इसमें, जब फिर सूरज आ जाएंगे, इसमें मंगल आ जाएंगे, तो फिर रिजल्ट तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें शुक्र आ जाएंगे राहु के साथ, फिर रिजल्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। राहु के साथ बुध आ जाएंगे तब तो फिर रिजल्ट मॉडिफाई करने का। अच्छा भाई, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, राहु के साथ शुक्र है तो आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, ठीक से रखो, जहाँ तहाँ लगा के मत छोड़ दो। राहु को चोर भी बोलते हैं, तो शुक्र के साथ आ गया, शुक्र माने गाड़ी, तो आपकी गाड़ी भी चोरी हो सकती है। सिंपल रूल, एस्ट्रोलॉजी का सिंपल रूल लगाइए और फिर देखिए, आप कोशिश कीजिए कहीं मैच करता है कि नहीं। सो इसकी ज़रूरत है, एक लाइन में नहीं हो सकता। सो हर महीने जब जब कोई ग्रह चेंज हो करके वृषभ राशि में आपके राहु के साथ आता है, तो आपको अपने राशि फल में परिवर्तन करना पड़ेगा, गुड और बैड। आई एम श्योर इतनी बात से तो सहमत होंगे, नहीं सहमत हुए हैं तो सहमत हो जाइए, इसमें कुछ मिलेगा आपको, नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि किसी को कह दीजिएगा कि बस 11th में है राहु, तो आपके तो बस टॉप क्लास है। यस, टॉप क्लास है पोजिशन, ये देंगे तो चुल्ल भर नहीं देंगे, ड्रम में भर के देंगे, ये 100 रुपया 500 रुपया नहीं देंगे, लाखों में और करोड़ों में देंगे ये। लेकिन यदि ये हार्म करने लगेंगे तो हार्म भी बड़ा कर देंगे। सो प्लीज़, जब जब राहु के ऊपर में, वृषभ राशि में जब जब कोई ग्रह आएंगे या देखेंगे या दृष्टि पड़ेगी, तब तब परिवर्तन होगा। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, बोतल में रखिए तो हाइट हो गई, थाली में रखिए तो विड्थ हो गया, उसी तरह से राहु का कोई आकार नहीं